सोहमची हाल खराब आहे, वजन जास्त झालंय सोहमच्या अंगावर, पण काय विषय नाही, तरी पण सोहम वन साइड नडतोय, वन साइड। नंबर मजा लगा और अंदर जो तैरती हुई देखिए ना, जो वीडियो निकला है, आप गेड़ा हो जाओगे, बोखला हो जाओगे। Hey, so good morning, दोस्तों, अगला दिन अभी निकल पड़ा है और हम लोग अभी भी सोए हुए, दिन के बज गए हैं आई थिंक 12, क्योंकि हम लोग को किसी को कुछ पता नहीं है कितने बजे है कितने नहीं। हम 8 सोर सोर है, करण भाई भी बाहर है, राणे भाई भी बच्ची तब दिल के बॉय में सोएला है। रात को सोने के लिए हम लोग को आई थिंक 3 या 2 कुछ तो बज गए थे और ये दोनों हलकड़ जैसा इधर सो रहे हैं, अभी उठने का नाम ले रहा है। एक मोबाइल में घुस गया है और एक अड़वा तिड़वा हो गया है। गाइस सुबह के बज गए 11 और ये प्रदीप बहू और अभिषेक भाई यहाँ पर आके बैठे हैं। ये कौन सा नेक्स्ट लेवल का, 9 बजे आके बैठे हैं दोनों बेचारे। तो चलो फटाफट, अभी बज गए 11:30, मतलब इतना देर इन लोगों ने दोनों ने वेट किया है। तो अभी हम लोग फटाफट फटाफट नहाते और हम जा रहे हैं। किधर जा रहे, किधर जा रहे? मालवन में। गुड्डाई बोलने का टाइम आ गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं मालवन में, थोड़ा बहुत मजे करेंगे, मस्ती करेंगे और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। सब लोग निकल रहे हैं, यंटा बिंटा चंटा मिंटा शंटा सब लोग निकल गए और लास्ट फाइनली गुड बाय बोल के आता हूँ सब लोग को। अरे भाइयों, अभी हम लोग आए हैं सिंधुदुर्ग के लिए, जहाँ पर बीच पे जाएंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे। पीछे गाड़ी है और हम लोग दोनों आए हैं बाइक पे, राणे भाई और मैं। पीछे की गाड़ी करे श्रीमान भाई की गाड़ी, श्रीमान भाई की गाड़ी है। ए गया ना करण, आज छोड़ गाड़ी चलाता है कमी ना। इधर हम लोग रस्ते पे रुके, हम लोग दिखे नहीं उसको, सीधा आगे चला गया है, ऐसा एड़ा इंसान है। ताला की जाको जरा, एक नंबर तो थर्ड क्लास मानूस है का प्रदीप भाऊ? अगो भाई, प्रदीप भाऊ ने लगेच माघार घेतली, लगेच नंतर बाकीचा प्रोग्राम चालू करू, ठीक है? कुठे जेवायला? पहले खाना पीना खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच पे। हम लोग खाना खाने के लिए जहाँ पर है वसंत विजय करके, अरे यहाँ पर बहुत सारे है। आपने को किधर घुसना है प्रदीप भाई? उधर कोलमकर मसाले एंड प्रोडक्ट्स इधर, और यहाँ पर गाड़ी पार्किंग, पार्किंग के दिल में खच्ची हो रही जा रही है, चुम्बा 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 चुम्बा। बड़े बड़े काका लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी में से, और हमेशा की तरह नेपचून भाई ये जो रास्ता चुकाते हैं। सोहम काका पण उतर लेले आहेत, सगळे काका मामा अप्पा नामा लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। पॉपलेट तो देखो कैसे मस्त एकदम कटा हुआ है, इसने ना 4-5 पॉपलेट खाने हैं और देखो ना पेट भी कैसा रखते हैं। ये टेस्टी का एकदम कड़क कड़क हेलो ये भी आनता है। खाना पीना हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए। कोई तो देवगढ़ किला है तो किला देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और पैकिंग विकिंग मैंने भी किया है पूरा। अभी चलो आगे जाएंगे और किला देखेंगे। हम लोग देवगढ़ किले पे इधर एकदम मस्त, ये एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग ऊपर। कैसा लग रहा है समुंदर का पानी, एक नंबर ना, कड़क 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 पानी रे पानी, हाय मेरी पानी, एक नंबर स्पॉट है, एक नंबर व्यू है, एक नंबर व्यू है, देखा एक नंबर व्यू है। हाँ करण भाई का व्यू है, एकदम चिल करके सब लोग बैठे यहाँ पर मजे कर रहे हैं।
ये भाई द्रोण का आनंद उठा ले रहे। ड्रोन ने वो ड्रोन ड्रोन का है ड्रोन नहीं ड्रोन 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 पवन चक्की। रास्ता देखो इतना सा छोटा सा और करण भाई की हवा टाइट हो गई है गाड़ी चलाने के लिए। क्या बोलते हैं? ये देखो पवन चक्की कितनी बड़ी है रे दोस्तों। मतलब मैंने ऐसा सुना है भारत का पूरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होता है। देवगढ़ और ये आई एम सॉरी देवगढ़ का कोई तो हमें मिला है। ये देखो अपने ही बंटर लोग हैं यहाँ पर और घूमने के लिए आए और हम लोग को हमारे ही बंदे लोग मिले। नमस्कार। अरे तुम्हें इकड़े कसे आले? एकदम थोडस जरास हे झालं होतं पण आता ओके। अभी अपने रिसोर्ट में एक नंबर रिसोर्ट है। एकदम बाशर एकदम छगरी है एकदम मपरी है एकदम प्रसन्न कर दिया है। बोलो थोड़ा देर लगा पर थोड़ा सा देर लगा पर अच्छा है। मूड एकदम चिल्ली चिल्ली हो गया ताजा तवाना हो गया। मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ रिसोर्ट दिखाता हूँ। इस तरीके का कुछ मस्त एग्जैक्टली लोकेशन है। यहाँ पर आप बैठ सकते हो झूला बिला ले सकते हो मज़े कर सकते हो आराम कर सकते हो। यहाँ से सीधा लेक व्यू है और ये रूम है और मैं आया हूँ बाइक लेके आगे और अभी ये लोग आए हैं सफारी लेके। क्योंकि अगर आप रूम देखोगे तो कुछ इस तरीके की है एकदम मस्त है एकदम छाप चुके रूम। आहा हा हा एकदम फ्रेश लग रहा है। और ये उड़न है उड़न उड़ का बना हुआ है। ये आप बाथरूम देखेंगे वाव एकदम मस्त। इधर फुल बिजी है साइकिल व्हीकल लेके और डिस्कशन चालू है। करण भाई क्या डिस्कशन क्या चालू है? हां सरदार हे आलेत कोण? हां आणि मामा काम करते तर मी त्यांच्याकडे इन्क्वायरी करतोय इन फ्यूचर तो काम करायची वेळ आली तर प्रॅक्टिस झाली पाहिजे। प्रॅक्टिस झाली पाहिजे बरोबर एक्झॅक्टली। आता तुमचे कसे करोडचे प्रॉपर्टी आहेत? हां माझी परिस्थिती बेकार आहे बेकार आहे तर काहीतरी पाहिजे। काका जरासं ट्रेनिंग देऊन ठेवा मामा। मी त्यांना शिकणार आणि हीच काम करणार हीच काम करायची। ओ श्रीमान उदरनिर्वाह। आज का अभी विषय है अभी एकदम चिल करने का विषय है तो हम लोग बैठे यहाँ पर चिल कर रहे अभी खाना पीना खा लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग है देवगढ़ में तो कल हम लोग का स्कूबा और बीच पे जाने का ये प्लान है तो आगे का हम लोग प्लान करेंगे। अभी तो एकदम मस्त है और रिसोर्ट भी मस्त है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो राने भाई तुम शूट कर रहे हो। ये देखो करण भाई यहाँ पर चील कर रहे कच्ची रे कच्ची एकदम मस्त ऐसा है। यहाँ पर आप कर सकते हो यहाँ से मतलब लेक है आगे तो लेक का भी मजे ले सकते हो व्यू ले सकते हो चील लाइफ। हेलो सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अगला दिन आया है और हम लोग सुबह सुबह उठे गए
आज 9 बज गए हैं उठने के लिए, फिर भी कोई इशू नहीं है, जल्दी आ चुके हैं हम लोग 9 बज गए। और आज का कुछ अलग प्लानिंग है, हम लोग आई थिंक स्कूबा विबा करने वाले हैं, बट ये सब लोग नहीं करने वाले हैं, बस मैं और तन्या हम दोनों करने वाले हैं स्कूबा, क्योंकि हम दोनों ने किया नहीं है और बाकी सब लोग का हो गया है। अभी वहाँ जाके देखते हैं हम दोनों भी करते हैं कि नहीं करते, बट अभी फिलहाल तो ऐसा प्लानिंग है। अभी पटावट पटावट हम लोगों ने नाश्ता विश्ता किया है और प्रदीप कुरलेकर भाऊ आने वाले, और आपने अगर नज़ारा देखा नहीं रहेगा होटल का तो दोबारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग बोटिंग वगैरह है वो बोटिंग वगैरह कर सकते हो और यहाँ पर भी घूम सकते हो। आइला ये कौन? कुत्ता। देखा पहला आदमी जो ऐसा रहेगा जो आपने आपको कुत्ता बोलता रहेगा, बट कोई इश्यू नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। बाय 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 बाय। कितना सोचे गाइस, इसमें मछलियाँ भी दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, नहाने का नहीं रे बट्टा, मेरे मच्छी दिख रहा है। पापलेट सारखे दिसते रे। ऐसा ऐसा रूम दिया हुआ है डोम डोम करके, तो हम लोग का फ्रंट साइड वो एरिया पर हमने कभी यूज ही नहीं किया, हम लोग इधर से ही शॉर्टकट मार रहे आड़ झोड़ और इधर से ही बाहर निकल रहे। सो फाइनली बाय बाय रूम टाटा, हम लोग जा रहे हैं रूम छोड़ के। अभी हम लोग जाएंगे स्कूबा करने के लिए, क्योंकि प्रदीप भाऊ कुरलेकर भाऊ भी आ चुके हैं, सब लोग आ गए। ये आवो ना शर्ट भी एकदम टकटक आणि आम्ही तसे खंगाट लेले बंगन बहिणी सोचा की रोज रोज वही पे धरो, उसके ऊपर शर्ट डाला तो बोला और दिख रहा हूं, तो ये जींस है वो बैग में माव नहीं रही थी तो मैंने जींस पहन ली। और ये गलत किया भाई, मेरे को बोला तू हाफ पैंट पहनेगा और तो मैं पहने, अभी देख ना नदी पे देख कैसा नग्न मुखासन लेता हूं मैं। ठीक है चला आता अपन जाऊया स्कूबा डूबा। बाबांचे कपडे घालून आले? अरे हा तसाच घाले रे ना, इजीली लागतं मला सर। इजीली काय लूज बॉडी, अरे बॉडी आहे ना ब्रो, लूज लूज या। कुली 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 कुली, सोमची हाल खराब आहे, वजन जास्त झालंय सोमच्या अंगावर। काय विषय नाही, तरी पण सोम वन साइट नडतोय, वन साइट नड। कुणाचे ओझे वजे वजे वजे, प्रदीप कुरलेकर भाऊच। सिंधुदुर्ग किल्ला, ये सिंधुदुर्ग किल्ला है और यहाँ पर हम करने वाले हैं स्कूबा। स्कूबा के दिन में डूबा, यहाँ का नजारा तो देखो। भीती वाटते नहीं ना? आणि तो बच्ची तो बॉय बघ कसला चिकना दिसतोय, आग बये गॉगल भारी आहे, इथून फटे इथून एक फटे, पण बादशाह आहे बाप लग रहा है कडक भाई। रिचनेस, यू पुअर पीपल्स यू नो रिचनेस, आई गो पता नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट का सोच रहे म्युचुअल फंड स्टॉक्स डी, समझ में ही नहीं आ रहा है। एकदम कडक, अरे नाही पण असं वाटतं मस्त खरंच मोतीबिंदू आ बघा रे बाबा, आई ग काढली इज्जत काढली इज्जत। मग तो जो बोलला होता काय चुकीचा बोलला होता?
कैसा लगा? एक नंबर मजा लगा। और अंदर जो तैरती हुई देखी है ना, जो वीडियो निकला है, आप टेढ़ा हो जाओगे, बोखला हो जाओगे, एकदम रब्बी रब्बी चुप्पी चुप्पी मप्पी मप्पी। नहा धो के एकदम टवटवीत और अभी हम लोग निकल रहे खाना खाने के लिए। स्कूबा डाइविंग की बहुत ही मजा आया और आपने वीडियो में देखा ही रहेगा हम लोगों ने कैसा कैसा किया। एक्चुअली बाकी के लोग ने नहीं किया है, तन्या ने और मैंने किया है सिर्फ, क्योंकि बाकी लोग का हो चुका था काम 25। अभी जा रहे खाना खाने के लिए, प्रदीप भाऊ भी है बीच है पीछे। तो किधर? ओके, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू देखने के लिए। तो उसके बाद आगे का प्रोग्राम क्या है वो बताएंगे। इसको बोलते हैं नज़ारे के दिल में बजारा, और वहाँ पर है अपने श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, हमारे देवत आराध्य देवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी वो देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग और देखते ही मन एकदम प्रसन्न। जा रहे ऊपर बिना चप्पल की, मतलब ये देखो, मतलब लगाओ ऐसा होना चाहिए। बोल रही है कि अगर ऊपर जाएंगे हम लोग तो बिना चप्पल के ही जाएंगे। क्या देने? Yes. तो ऐसे मन में आपके प्यार चाहिए। हाँ, मस्त एकदम। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। ये काका भी मस्त तरीके से खड़े हैं, ये भी इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति है। मावळे आम्ही चरणार, चाकर शिवाच होणार। मंदिर है छोटा सा, तो वहाँ पर मंदिर का दर्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे। जरा मस्त दिख रहा है एकदम, सब लोग पैर पर पड़ रहे हैं अंदर। श्रीमान भाई भी बाहर शूट कर रहा है। और ये तटबंदी तो देखो, नेक्स्ट लेवल पे तटबंदी। हाँ, एकदम कड़क यार ये, मतलब पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। हमारे देवत, हमारे आराध्य देवत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज। करण भाई, हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? भाई देखो, मेरे को ये चीज़ देखने का ही था क्योंकि मोदी जी आके अपनी इसका उद्घाटन करके गए थे, अपन मालवण में बहुत बार आए। Yes. लेकिन ये सबसे बेस्ट मोमेंट था मालवण में आके। अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा? क्या देखा? तो एक बार हम वापस दिखा देते। ये देखिए, पीछे देखिए। Yes. महाराष्ट्र की आन बान और शान। श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सबको दोस्तों मूर्ति देखकर एकदम प्रसन्न हुए हैं और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के। अच्छी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिलती है और पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो अगर आप लोग भी आते हैं एक बार मालवण में तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना और ये देख लेना कि आपको भी अच्छा लगेगा। क्या करें भाई, 102%। अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, अभी खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे आंगनेवाड़ी नहीं रे, गोवा में जाएंगे। और तू वीडियो एडिट करना बस अच्छे तरीके से। ओके, चलो पहले खाना खाते हैं और बाद में देखते हैं आगे का प्रोग्राम। हमारे साथ जो अभिषेक भाई है अपने मुगनेकर, तो उनका ये होटल है, उनका ये रेस्टोरेंट है। तो हम लोग यहाँ पर अभी खाना खाने वाले हैं। उन्होंने खाना बनाया है हमारे लिए। प्रदीप भाई आ गए हैं और हमारी सफारी अभी भी पीछे अभी तक नहीं आ चुकी है। तो आप जब भी खाना खाने के लिए अगर मालवण आते हैं ना, तो ये हमारे अभिषेक भाई है, उनका होटल है, तो यहाँ पर खाना खा सकते हो आप। हो गया खाना पीना, एकदम मस्त था, एकदम सुंदर, एकदम लजीज था। अभी भाई ने जो खातिरदारी की है ना, एकदम खचकी, मजा आली आज जेवायला। थोड़ा ब्लॉग आपला हिंदी मराठी मिक्स है, थोड़ा सा समझून घ्या। पण जे जेवण झालंय, आ हा, एवढे दिवस फिरतोय ना, फर्स्ट टाइम एवढं पोट भरून जेवलंय।
आणि फुल इज्जत है प्रदीप भाऊ तुम्हाला पण। गुड इवनिंग मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सपोर्टर लोगों। तो अभी होगी है इवनिंग और मैं पहुंच गया हूँ दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो ये व्लॉग है यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, और ये आप कमेंट में ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा कैसा नहीं। और जो दूसरा डेस्टिनेशन है ये गोवा का है, और ये गोवा का डेस्टिनेशन का मैं अलग कोई पार्ट में बनाऊंगा अगर आप चाहते हो तो। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे प्यार देते रहना। और नेक्स्ट व्लॉग आएगा गोवा का अगले दूसरे 2-3 दिन बाद, तो ये भी ज़रूर देखना और उसको भी प्यार देना, ऐसे ही देना। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं किसी अगले नए व्लॉग में। बाय।